Rain on the Roof, a poem for class 9th, and this poem is written by Kautz Kinney. So he is Kautz Kinney, and he wrote poem Rain on the Roof, which also describes about the relationship, about the bonding of a mother with a son, with her son. Like Kautz Kinney also describes about her childhood memories in this poem Rain on the Roof. एंड इसमें बेसिकली पोएम में पोइट ने जस्ट उस बारिश की बूंदों के बारे में नहीं बताया जो रूफ़ पर पड़ती हैं. उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है, ये जो रेन है ना, जो रूफ़ पर पड़ रही हैं, जो मेरे घर की छत पर पड़ रही हैं, वो बेसिकली एक मेरी आँखों से निकलने वाले टीयर्स हैं. टीयर्स फ्लो फ्रॉम माई आईज लाइक द रेन फ्लो फ्रॉम द रूफ फ्रॉम द स्काई ऑन द रूफ. तो जो पोइट हैं वो क्या बताते हैं, लाइक सी this is the heavy rain on a tin roof, and the poet also भी describes that कि जब भी ये बारिश की बूंदें आती हैं, जब भी ये बारिश की बूंदें मेरी रूफ़ पर मतलब मेरे घर की छत पर, जब भी ये टिप टिप साउंड आती है, बारिश की बूंदें आती है स्टेरी स्काई से, तारों भरे आसमान से, तब तक मुझे अपनी माँ की याद आती है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने पोइट ने अपनी मदर के साथ अपने बिताए हुए समय के बारे में बताया है. अब उनकी मदर नहीं है, अब उनकी मदर उनकी लाइफ में नहीं है, तो बारिश की बूंद एक नेचुरल एलिमेंट है, नेचुरल सोर्स है, जो हमेशा उनको उनकी मदर के बारे में रिमाइंड करवाते हैं. जो पल वो अपनी मदर के साथ स्पेंड करते थे ड्यूरिंग द रेन टाइम, जब भी बारिश की बूंदें आती थी, कैसे वो अपनी मदर के साथ समय बिताते थे, कैसे मदर उनको गेज करती थी, उन्हें सुलाती थी, सहलाती थी, उनको फोंड लुकिंग देती थी, उनको देखती थी, सेम वैसी चीज़ें वो अपने माइंड में रिमाइंड कर रहे हैं. वो काफ़ी डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, वाई गॉड ने उनकी मदर को क्यों अपने पास बुला लिया, वाई इज़ फील अलोन, वाई इज़ अलोन विद एंड वाई ही लिव्स इन दिस वर्ल्ड विदाउट हर विदाउट हिज मदर. तो पोइट क्या बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि एक मदर की एक सन के साथ, एक डॉटर की एक मदर के साथ कितनी अटैचमेंट होती है, सोल के साथ, इनर के साथ उनका कनेक्शन होता है. और जब किसी का इनर के साथ कनेक्शन हो जाता है, सोल के साथ कनेक्शन होता है, तो उस इंसान की मेमोरीज़ को आप नहीं भुला पाते. तो पोइट ने यही बात इस पोएम रेन ऑन द रूफ़ में बताई है. रेन को उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है, उन्होंने रेन को टीयर्स के साथ कंपेयर किया है. उन्होंने रूफ़ को, रूफ़ एक तरीके से उनकी मेमोरीज़ हैं, और उन्होंने स्काई से रेन आती हैं, क्लियर, स्काई से रेन आती है, तो उन्होंने स्काई को कंपेयर कर दिया अपनी आइज के साथ, और आइज और उन्होंने रेन को कंपेयर कर दिया टीयर्स के साथ. ही सेड ये जो स्काई है, जब तक इस स्काई से ये बारिश की बूंदें आती रहेंगी, सेम ऐसी मेरी आइज से ये टीयर्स बहते रहेंगे. ही सेड दिस थिंग इन दिस पोएम. तो पोइट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, जैसे ही स्काई डार्क क्लाउड से कवर हो जाती है और बारिश आनी शुरू होती है ना, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या तुमने छत पर पड़ने वाली उस सॉफ्ट रेन की पैटर साउंड सुनी है. व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप नेचर की ये मेलोडी, ये सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग ऑफ द पैटर टिप टिप साउंड, तो आप किस फीलिंग्स के बारे में सोचते हो, क्या थॉट्स आपके माइंड में आते हैं. ये सेम थॉट पोइट के माइंड में है अबाउट द मेमोरी ऑफ हिज मदर. तो आप पोएम को पढ़िए टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, और देखिए कि पोएट क्या सपना ले रहा है, क्या ड्रीम आते हैं उसे, 1000 fancies, 1000 recollections उसे किस लिए आते हैं, अबाउट हिज मदर, जब वो लिसन करता है टिप टिप साउंड ऑफ द रेन. This poem Rain on the Roof, this is not only the poem which also describes about the rain on the roof, this also describes about the inner feeling, about thoughts, about attachment, about bonding, care, concern of the mother, of the son towards his mother. So the poet said, when the humid shadows hover over all the starry spheres, jab ye shadow छाया जाती है ना आसमान में, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में तेज़ तेज़ ये साउंड छा गई, ये जो शेडो है वो छा गई, क्योंकि बारिश का टाइम हो गया, तो अंधेरी सी आ गई और आसमान थोड़ा सा ब्लू तो होता पर थोड़ा ब्लर हो गया. तो जो स्टेरी स्पेयर होते हैं, तारों से भरा हुआ जो आसमान होता है ना, तो वहाँ पर एक मेलंकली सी डार्कनेस आ जाती है. मेलंकली आप दुख के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो वर्ड, जब आप सैड होते हो, मेलंकली सी डार्कनेस आ जाती है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और आसमान से, स्टेरी स्काई से टीयर्स
आने लगते हैं। टीयर्स उन्होंने रेन ड्रॉप्स के लिए यूज़ किए हैं कि जब जब आसमान से बहते हैं ये ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स, तब तक मेरी आंखों से ये टीयर्स बहते हैं, मे बी मैं इन टीयर्स को रोक लूँ, बट मैं अपनी मदर की मेमोरीज को नहीं रोक सकता। पोइट यही बात कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं पिल्लो को प्रेस कर लेता हूँ, पिलो को प्रेस करना। पोइट ने ये रिमाइंड करवाया, वो ये कह रहे हैं जब भी बारिश आती थी ना, तब मेरी मदर मुझे क्या करती थी, बेड पर टकअप कर लेती थी, बेड पर टकअप करने के बाद मुझे सुलाती थी, सहलाती थी। जब भी बारिश की बूंदें आती थी, जब भी बाहर ऐसा मौसम हो जाता था, तो मेरी मदर मुझे, मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर को ऐसे बेड पर टकअप करके हमें सुलाती थी और हमें लोरी सुनाती थी। तो पोइट कह रहे हैं जब भी ये बारिश की बूंदें आती हैं ना, तो क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं बेड पर लेट जाता हूँ। बेड पर जब मैं लेटता हूँ, तब मैं रूफ़ पर पड़ने वाली इस बारिश की बूंदों के बारे में साउंड महसूस करता हूँ। तो ये जो रेन है, ये टीयर्स की तरह मेरी आँखों से बहती हैं। जैसे जैसे आसमान से ये बारिश की बूंदें बहती है, वैसे वैसे मेरी आँखों से ये टीयर्स भी बहते हैं। पोइट कह रहे हैं कि ये जो टीयर्स हैं, ये जो रेन है, ये मेरी मदर की मेमोरीज हैं, ये मेरी मदर की के साथ बिताए हुए मेरे हर एक पल को रिमाइंड करवाती हैं। पोइट कह रहे हैं कि तब मैं क्या करता हूँ, बेड पर लेट जाता हूँ और पिल्लो को प्रेस करता हूँ, और फिर कोटेड चैम्बर बेड, और मैं कहाँ पर लेटा हूँ, कोटेड चैम्बर बेड में, जो मेरे झोपड़ी का, जो मेरे घर का जो बेड है, वहाँ पर मैं लेट जाता हूँ और पिल्लो को प्रेस करता हूँ। और जब मैं पिल्लो को प्रेस करता हूँ, तो मैं उल्टा लेटता हूँ, तो क्या होता है, मैं पैटर पैटर साउंड सुनता हूँ। पैटर साउंड मैं किसकी सुनता हूँ, रेन की, बारिश की बूंदें, जो सॉफ्ट रेन है, जो रूफ़ पर पड़ती है और मेरे कानों में गूंजती हैं। सेम एज एन एग्जाम्पल मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ, देखिए, सेम लाइक दिस। अब देखिए, रेन ऑन द रूफ है, बारिश बाहर आ रही है, और ये लकड़ियों की ये रूफ बनी हुई है, क्लियर, लकड़ियों की ये रूफ बनी होती है। तो पोइट कह रहे हैं किसी क्या हो रहा है, बाहर बारिश आ रही है और बारिश ना मेरे रूफ पर गिर रही है, और मैं उल्टा लेटा हूँ, ठीक है, मैंने पिल्लो को प्रेस किया हुआ और मैं उल्टा लेटा हूँ बेड पर, और मैं उस बारिश की बूंदों की साउंड को सुन रहा हूँ, ठीक है। पोइट सुन रहे हैं और पोइट महसूस कर रहे हैं अबाउट द मेमरीज, ही रिमाइंड्स द मेमरीज, ही रिमाइंड्स द टाइम विच ही हैज स्पेंड विद हिज मदर। दिस इज द पिक्चर, दिस ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द क्लियर इमेज ऑफ द पिक्चर दैट वॉट इज इन द पोएम। अब पोइट क्या कह रहे हैं, ही डिस्क्राइब्स कि देखो, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब शिंगल किसके लिए उन्होंने यूज़ किए, शिंगल होता है जो वुड्स होती है ना, वुड्स जो रूफ पर, वुड्स ये ऐसे करके लकड़ियों की एक तरीके से टेरिस बना होता है, रूफ बनी होती है, तो ये जो वुड्स है ना, ये शिंगल्स हैं, इनके ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, हैज़ एन इको इन द हर्ट, तो मेरे दिल में, पोएट के हर्ट में इको आता है, इको एक साउंड, इको एक कहते हैं ना मेमरी, एक डिसअपॉइंट सा वे एटीट्यूड आ जाता है, और थाउजेंड ड्रीमी फैंसेस, हज़ार ऐसे ड्रीमी फैंसेस होते हैं। अब आप एज एन एग्जांपल, आपको प्रैक्टिकली लाइफ से अगर दिया जाए, तो एक बच्चा अपनी मदर के लिए काफ़ी सपने बुन लेता है, क्योंकि उनकी मदर उनको इतना सिक्योर कर देती है, उनको पढ़ाती है, बड़ा करती है, उन्हें अपनी लाइफ में सक्सीड होता हुआ देखती है। तो पोएट ने थाउजेंड फैंसेस, ऐसे हज़ार सपने थे जो उन्होंने अपनी मदर के लिए देखे होंगे, या हज़ार सपने होंगे जो उनकी मदर ने उनके लिए देखे हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो उनके माइंड में एक एक करके शुरू हो जाते हैं, और वो बिजी हो जाते हैं अपनी मेमरीज़ को रिकोलेक्ट करने में, और थाउजेंड रिकोलेक्शन उनके माइंड में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो वीव करते हैं, बुन लेते हैं, वो बुन लेते हैं एक धागे की तरह, वन मेमोरी, टू मेमोरी, थ्री मेमोरी, फोर मेमोरी, तो ये उनकी उनकी लाइफ में एक धागे की तरह, एक थ्रेड की तरह आ जाती हैं। थाउजेंड फैंसेस, थाउजेंड ट्री कलेक्शन, थाउजेंड ड्रीम्स उनके माइंड में आते रहते हैं। देन वो क्या करते हैं, फिर वो पैटर पैटर साउंड सुनते हैं जो उनके घर की रूफ पर पड़ती है, छत पर पड़ती है, जो भी बूंदें पड़ती हैं, जब भी वो उसको ध्यान से सुनते हैं, उनको अपनी मदर की मेमोरीज आती हैं, अपनी मदर के थाउजेंड ट्री कलेक्शन, थाउजेंड फैंसेस, जिसे वो एक धागे की तरह बुन लेते हैं अपने माइंड में, एक एक करके वो हर एक ड्रीम्स को रिमाइंड करते रहते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, उनको उनकी मदर की याद आ गई, और एंड शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और उनको साल हो गए हैं गए हुए, वो अब अपनी मदर के साथ नहीं रहते, उनकी मदर ने उनको छोड़ दिया, लाइक उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, अब उनकी मदर उनकी लाइफ में नहीं है। तो रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स आप किसके लिए यूज़ करते हो, उन सपनों के लिए जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनको आप डार्लिंग ड्रीमर्स बोलते हो, जो आपके सोल के साथ कनेक्ट रहते हैं। Here she left them till the dawn. अब वो कह रहे हैं कि
मॉर्निंग का टाइम था, मतलब अब जब भी मॉर्निंग होती है तब वो अपनी मदर को नहीं देख सकते हैं क्योंकि अब उनकी मदर ने उनको छोड़ दिया है, वो इस वर्ल्ड को अलविदा कह चुकी हैं। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, जब भी मेरी मदर मुझे बेड पर टकअप करके सुलाती थी तो क्या होता था, मेरी मदर मुझे फ़ोन की तरह देखती थी, प्यार से देखती थी कि मैं सो गया हूँ, मुझे गेज करती थी, देखती थी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। बट अब वो सभी चीज़ें व्यर्थ है क्योंकि अब मेरी मदर मेरे साथ नहीं है, पर मेमरीज़, पर वो जो मेमरीज़ है मुझे पेन देती हैं, आई फील पेन। जब भी मैं उन मेमरीज़ को याद करता हूँ मुझे दर्द होता है, मुझे दुख होता है कि मेरी मदर अब मेरे साथ क्यों नहीं है, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स। अब वो फिर वही बात कह रहे हैं, अगेन उन्होंने ये बात फिर से रिपीट की है, उन्होंने कहा है कि 1000 shingles, मतलब 1000 जो रेन ड्रॉप्स थी वो शिंगल्स पर पड़ती हैं, शिंगल्स मतलब जो वुड्स की रूफ बनी हुई है उस पर पड़ती हैं और फिर वो रेन की पैटर पैटर साउंड को सुनते हैं। पोएट ने रेन ऑन द रूफ में एक तरीके से उन्होंने मदर और सन के, मदर और डॉटर के कनेक्शन के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि एक सन का एक मदर के साथ सोल का कनेक्शन होता है, एक डॉटर का एक मदर के साथ सोल का कनेक्शन होता है। पोएट कह रहे हैं कि लाइफ में या वर्ल्ड में एक ऐसी रिलेशनशिप होती है एक मदर की अपने सन और डॉटर के साथ कि वही एक रिलेशनशिप है जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते। अगर फिज़िकली आपकी मदर आपके सामने प्रेजेंट नहीं है तो वो मेंटली और इमोशनली आपके साथ हमेशा अटैच्ड रहती हैं। तो पोएट की मदर अब नहीं है बट वो इनर से, इनर सोल से कनेक्ट है उनकी, तो वो 1000 memories, 1000 recollection उनकी लाइफ में बार बार आते रहते हैं और वो 1000 recollection उनकी लाइफ में नेचुरल एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी पर्सन के साथ, इनर सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो नेचर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट कर देती है जो उन यादों को आपसे दूर नहीं जाने देती, जो उन यादों को बार बार आपकी लाइफ में क्रिएट करती रहती है किसी ना किसी वजह से। तो इस पोएम रेन ऑन द रूफ में कोर्ट स्किने ने यही मेंशन किया है कि जो इनर ब्यूटी होती है ना, कि पोइट क्या मैसेज देते हैं, पोइट ये मैसेज देते हैं, द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इट इज़ द सिंपल थिंग्स इन लाइफ दैट मैटर द मोस्ट। कि कुछ सिंपल लाइफ, कुछ सिंपल थिंग्स हैं आपकी लाइफ में, पोइट कोर्ट्स किने ने यही बात बताई है, कुछ सिंपल थिंग्स आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं और वो सिंपल थिंग पोइट के लिए उनकी मदर थी, उनकी मदर के साथ बिताया हुआ हर एक पल था। आवर मेमरीज आर ट्रिगर्ड, अब पोइट कहते हैं कि जो हमारी यादें वो ट्रिगर्ड है, ट्रिगर्ड मतलब होता है कि प्रेरित करना, आपको हर चीज़ के लिए प्रेरित करती है, वो चीज़ है उनकी मदर की मेमरीज। उनकी मदर की मेमरीज जितनी भी है उनकी लाइफ में वो ट्रिगर्ड हैं बाय मैटेरियलिस्टिक थिंग, नॉट बाय मैटेरियलिस्टिक थिंग बट बाय नेचुरल एलिमेंट्स। और उनकी मदर की यादें उनके साथ किस तरह कनेक्टेड है, कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ, उनकी मदर की जो मेमरीज है उनके साथ कनेक्टेड है नेचुरल एलिमेंट्स के साथ, ना कि मैटेरियलिस्टिक। क्योंकि मैटेरियलिस्टिक जो चीज़ कनेक्ट होती है आपके साथ वो कुछ ना कुछ समय तक ख़त्म हो जाती है, बट अगर आप इनर सोल से कनेक्ट हो और नेचुरल एलिमेंट्स के साथ आप कनेक्ट होते हो और नेचुरल एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं तो वो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती, लिमिटलेस एंडलेस उनका टाइम पीरियड रहता है और वो पूरी लाइफ जब तक आप जीवित हो तब तक आपकी यादें भी आपके साथ जिंदा रहती हैं। क्लियर? सो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय कोर्ट स्किनी।